रूपी ने बनाया अपना रिकॉर्ड लो, क्यों गिर रहा है रूपी? अब की बार रूपी इसको फिर चढ़ा है बुखार और हो गया है 77 दिन। जी हाँ, फिर से एक बार रूपी वेंटिलेटर पर है और डॉलर एस्केलेटर पर सवार है। निफ्टी, सेंसेक्स और क्रिप्टो मार्केट ने रुपए के साथ साथ में गिरावट जारी रखी है और एक नया लो बनाया है। एग्जैक्टली एक साल पहले की बात देखें तो रुपीज़ की वैल्यू 73.50 थी, जो आज बढ़कर के 77.58 हो गई है। इसका मतलब है कि हमारी करेंसी ने एक साल में अपनी वैल्यू 5% से खो दी है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आइए चलिए देखते हैं कि रुपीज़ में गिरावट जो लगातार दर्ज की जा रही है उसकी क्या वजह है। रुपीज़ में गिरावट जो दिखाई दे रही है उसकी बहुत सारी वजह है, जिसमें से एक मेन वजह है जिसको बोलते हैं सेल ऑफ का होना FII का डोमेस्टिक मार्केट से। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है, वो यहाँ से आउटफ्लो होना, फंड वापस जाना। आपको बता दें कि 2021 में कोई $30 बिलियन का फॉरेन इनफ्लो हुआ था, जो हमारे इंडियन मार्केट की बात है। तभी से अब तक इतनी बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन अचानक से US फेड रिजर्व्स ने अपना रेट हाइक कर दिया और FII ने धीरे धीरे यहां से पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया, फंड का आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। अब जब कभी ऐसा होता है कि फॉरेन फंड का आउटफ्लो होता है तो डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में रुपीज़ की वैल्यू गिरती ही है। तभी ऐसा होता है कि रुपी से गिरने के साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी हमको गिरावट देखने को मिलेगी और लगभग सभी इंडेक्सेस में भी गिरावट देखने को मिलेगी। 2022 में FII ने इंडियन मार्केट से कुछ इस तरह पैसा निकाला। अगर हम बात करते हैं मंथ वाइज स्केट ब्रेकअप की, तो जनवरी में कुछ 28,526 करोड़ और फरवरी में 38,068 करोड़, 50,067 करोड़ मार्च में, और अप्रैल में 22,688 करोड़, और अभी तक सो फार मई की अगर बात करें तो 11,394 रुपीज़ का विड्रॉल हो चुका है। इन टोटलिटी 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ इंडियन मार्केट से FII ने विड्रॉ किया है। और यही वजह है जो कि बताती है कि इंडियन मार्केट में रुपी की डाउनफॉल टेंडेंसी देखने को मिल रही है। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।